दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मिरेकल बॉक्स का नया वाला जो मिरेकल बॉक्स का थंडर एडवांस FRP टूल है और इस टूल से किस तरह से आप सैमसंग मोबाइल का FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों सैमसंग मोबाइल को हम FRP अनलॉक करके दिखाएंगे आपको ADB मोड के जरिए से। तो चलिए पहले हम मोबाइल में ADB मोड लाने के लिए और उस मोबाइल को हम कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करते हैं और मोबाइल का मॉडल नंबर है G600FY, ठीक है, ON7 Pro। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल को जो है मैंने जो है कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश किया ओनली बूट इमेज से, तो ये मोबाइल जो है लोगो पे अटक गया और जब इस मोबाइल को हमने हार्ड रीसेट किया फिर भी ये मोबाइल लोगो पे अटका हुआ था, ठीक है। तो मजबूरन हमें जो है कॉम्बिनेशन फाइल जो है टोटल पूरी की पूरी फाइल को फ्लैश करना पड़ा था। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप कॉम्बिनेशन फाइल का अगर इमेज फाइल मारते हैं तो अगर आपका मोबाइल लोगो पे अटक जाता है या हार्ड रीसेट करते हैं फिर भी आपका मोबाइल लोगो पे ही रहता है अटका हुआ, तो आप जो है पूरी फाइल को जो है कॉम्बिनेशन फाइल को पूरी फाइल से आप फ्लैश कर सकते हैं मोबाइल को। तो पूरी फाइल से फ्लैश करेंगे लेकिन उसका जो है मोबाइल का जो इंटरफेस होगा वो कुछ तो चेंज हो जाएगा, तो आपको फिर उस मोबाइल को फ्लैश करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन फाइल की भी लिंक दे दूंगा आपको और फ्लैश फाइल की भी आपको लिंक दे दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि अगर आपको कोई भी का जो है सैमसंग का मोबाइल अगर इस तरह से आता है कॉम्बिनेशन फाइल की जब बारी आएगी तो कॉम्बिनेशन फाइल में अगर आप मारते हैं कॉम्बिनेशन फाइल बूट इमेज, अगर आपका मोबाइल हैंग कर जाता है लोगो पे अटक जाता है तो आप उस मोबाइल को जो है आप फिर दोबारा फ्लैश करते हैं तो फिर उसका जो ADB जो इनेबल होता है कॉम्बिनेशन मारने से फिर वो हाइड हो जाता है, ठीक है। तो ओनली बूट इमेज फ्लैश करने से अगर आपका मोबाइल लोगो पे अटकता है और आप हार्ड रीसेट कर देते हैं मोबाइल को फिर भी आपका मोबाइल अगर लोगो पर अटकता है तो आप पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन फाइल को फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप जो है ट्राई करना चाहें तो आप सिर्फ ओनली बूट इमेज फाइल से ही जो है कॉम्बिनेशन फाइल की बूट इमेज फाइल से ही आप फ्लैश करके ट्राई कर सकते हैं कि आपका मोबाइल जो है ADB इनेबल होकर के आपका मोबाइल ऑन होता है कंप्लीट के नहीं। अगर कंप्लीट अगर आपका ऑन हो जाता है तो आपको पूरी कॉम्बिनेशन मारने की जरूरत नहीं है। और अगर मान के चलिए अगर आपका मोबाइल ऑन नहीं होता है लोगों पे अटक जाता है तभी आप जो है पूरी कॉम्बिनेशन फाइल को फ्लैश मार सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस मोबाइल को मैंने पूरी कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश कर दिया, उसके बाद इस मोबाइल को मैंने फ्लैश फाइल से भी फ्लैश कर दिया और अब ये मोबाइल कंप्लीट ऑन है और इसका ADB इनेबल है लेकिन इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इसमें FRP लॉक है और यहाँ पे नेक्स्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये मिरेकल थंडर का जो एडवांस एंड्रॉइड FRP टूल है ये, और इस टूल से हम आपको आज बता रहे हैं कि किस तरह से आप इस टूल से ADB के जरिए से आप इसका FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे डिवाइस मैनेजर में जो सैमसंग का ADB इंटरफेस यहाँ पे शो कर रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे सैमसंग जो है मेथड है सैमसंग जो ब्रांड है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस टूल के अंदर में आपको सैमसंग ब्रांड सिलेक्ट करना है। जब सैमसंग ब्रांड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आप यहां पर देख रहे हैं जिस तरह UMT डोंगल के अंदर में ऑप्शन होता है न्यू मेथड FRP रीसेट, ठीक है, डाउनलोड मोड FRP रीसेट न्यू मेथड, ठीक है, उसी तरह इसमें भी है, ठीक है। आपको यहां पे जो है FRP रीसेट ADB आपको न्यू मेथड सेलेक्ट करना है। न्यू मेथड आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं यहां पे आप यहां देख रहे हैं ऑटो का चेक आपको हटा देना है और यहां पे आपको एक बार स्कैन करना है और आपका मोबाइल का जो ADB पोर्ट होगा वो यहां पे शो करेगा, ठीक है। तो पोर्ट नंबर आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेना है, जब पोर्ट नंबर आप यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहां पे आपको रीसेट FRP देना है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने जो यहां पे रीसेट FRP दे दिया है, उसके बाद चलिए देखते हैं कि ये मोबाइल बूट कर रहा है या नहीं कर रहा है या मोबाइल का FRP अनलॉक हो रहा है या इस टूल से या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये फेल हो गया, चलिए दोबारा फिर से हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाएं दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे अलाउ USB डिबगिंग का ऑप्शन आया हुआ है स्क्रीन पर और यहाँ पे मैंने अलाउ नहीं किया था इसलिए जो है मोबाइल बूट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हमें चेक लगा देना है और ओके कर देना है, तो उसके बाद फिर से ट्राई करना है और ऑटोमेटिक ये मोबाइल जो है बूट करेगा और इसका FRP अनलॉक होगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि मोबाइल हमारा बूट कर चुका है, मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन दिखा रहा है, मोबाइल का मॉडल नंबर यहां पे दिखा रहा है और मोबाइल का FRP जो है 100% रीसेट यहां पे डन हो चुका है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोबाइल जो है यहां पे FRP रीसेट डन हो चुका है लेकिन मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली रिबूट होना चाहिए लेकिन रिबूट नहीं हुआ है, इसमें रिबूट होता नहीं है क्योंकि इस टूल के अंदर में, और आपको अपने हाथ से इस मोबाइल को एक बार जो है रिबूट करना होगा। और जब इस मोबाइल को आप अपने हाथ से एक बार रिबूट कर देंगे, ठीक है, उसके बाद जब ये मोबाइल वापस ऑन होगा तो आपका FRP जो है यहाँ से बिल्कुल अनलॉक हो जाएगा, आप मोबाइल के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे आपको स्किप का ऑप्शन मिल जाएगा। और जब आप मोबाइल के अंदर चले जाएंगे तो आपको फिर से एक बार मोबाइल को हार्ड रीसेट कर देना है अंदर से, अगर मान के चलिए आप बाहर से भी कर सकते हैं और हार्ड रीसेट करना आपको जरूरी होता है
ताकि मोबाइल के अंदर में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।